थोड़ी सी दूरी भी नहीं चल पाती थी। डॉक्टर संदीप सिंह की बहुत आभारी हूँ। थैंक यू संदीप सर। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ संदीप सर। वेरी 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 मच थैंक टू यू सर। थोड़ी सी दूरी भी नहीं चल पाती थी और खड़ी भी नहीं हो पाती थी, बैठ के ही घर में रोटी वोटी बनाती थी। फिर जब मेरे बेटे ने देखा तो उसको बड़ा दुख हुआ, तो वो बोला मम्मी अब तो ऑपरेशन कराना है। उन्होंने कई जगह कांटेक्ट किया तो संदीप सर उनके कांटेक्ट में थे, तो वो मेरा बेटा वहाँ पे लेके गया मेरे को ऑपरेशन कराने के लिए। मेरा ऑपरेशन हो चुका है, पहले एक पैर का, उल्टे पैर का हुआ, अब सीधे पैर का हुआ। मैं ऑपरेशन के दूसरे तीसरे दिन से ही वॉकर से चलने लग गई और अब मैं थोड़ा बहुत पैदल भी चल लेती हूँ। और मैं डॉक्टर संदीप सिंह की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे को इस दर्द से मुक्त किया। की कृपा से बहुत ही अच्छा और बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। बिकॉज़ हम मम्मी को, मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ अपने घर में सरवाइव करते हुए, उस पेन से और कभी कभी रात रात भर उस दर्द से मतलब सरवाइव करते हुए। अराउंड 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तो मम्मी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। कोई मतलब कोई बोल रहा है कि सरसों का तेल लगा लो या कोई भी तेल लगा लो या कोई भी कोई जड़ी बूटी या होम्योपैथिक चूरन कुछ भी कोई भी जो भी बोल रहा है, कोई धुएँ वाला तेल दे रहा है, तो वो सब कुछ लगाया, ट्राई करा कि जिससे आराम मिल जाए। सिकाई और बहुत सारी चीज़ें, पेन किलर्स, बहुत कुछ, इवन इंजेक्शन्स भी। कभी कभी होता था कि बहुत ज़्यादा ठंडियों में दर्द है तो वो भी, तो वो सारी चीज़ें लेते 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 मेरी शादी 2 साल पहले हुई है। तो शादी से पहले हमने दिखाया था, हम रायबरेली यूपी से हैं बेसिकली, तो वहाँ पे जब दिखाया तो इनको नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला। बट रायबरेली में हमने उस टाइम पे, मेरी शादी का टाइम था तो ठीक है उस टाइम को थोड़ा सा उसको डिले किया कि ठीक है पेन किलर्स एंड ऑल लेके, वो अभी सिर्फ बताया है, आगे देखेंगे। फिर वो धीरे 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 करके मैंने अपने हस्बैंड से भी उस चीज़ के लिए शेयर किया, उनको पता चली वो प्रॉब्लम। फिर अभी रिसेंट मम्मी का एक माइनर सा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनको मतलब वो अपनी कार से नीचे गिर गई थी, बेंड हो गए थे उनके लेग्स, तो फिर उनको काफ़ी पेन होता था। एंड मैं इलाहाबाद में रहती हूँ, प्रयागराज में मेरी शादी हुई है और मम्मी अकेले रहती हैं रायबरेली में। सो उनको प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं उनको देखने के लिए आई। देन उनको जब प्रॉब्लम हुई तो लखनऊ में अपोलो में मम्मी को हमने दिखाया ले जा करके, तो जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने नी रिप्लेसमेंट का बोला। फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सर्च किया, उनको इवन एक ये हो गया था कि अपोलो में हम अपॉइंटमेंट भी ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। फिर मेरे हस्बैंड का कुछ टाइम पहले एक एक्सीडेंट में एक ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने जिन सर ने किया था उनसे उन्होंने कंसल्ट किया कि हम ऑल इंडिया बेस्ट डॉक्टर सर आप कौन सजेस्ट करेंगे कि कहाँ पे हैं वो डॉक्टर। तो उन्होंने फिर सर का नंबर दिया कि आप इनसे एक बार कांटेक्ट करिए। बिना मतलब उनको तो एक ये होप भी नहीं थी कि हम यूपी से यहाँ आएंगे। उन्होंने एक सजेशन के लिए उन्होंने सिर्फ बोला कि ठीक है आंटी का नी रिप्लेसमेंट आपको कराना पड़ेगा। एंड फिर जब हमने और सर्च किया, फिर सर से जब मैसेज के थ्रू मेरे हस्बैंड की बात होने लगी तो सर ने कहा कि और मैं हेल्प क्या कर सकता हूँ, बिकॉज उनको ये नहीं लगता था या हमको भी नहीं लगता था कि भुवनेश्वर एंड उड़ीसा में इतनी दूर बहुत बड़ा एक टास्क था हम लोगों के लिए भी लाना और सब कुछ करना। बट लास्ट मेरे हस्बैंड का एक ये डिसीज़न आया कि नहीं हमें वहीं पे जाना है। और एक वो जो होता है ना कि ऑपरेशन के लिए एक डर होता है, वो डर के लिए टाइम ही नहीं था, बिकॉज उन्होंने ये एक डिसाइड किया कि जाना है एंड भगवान का नाम लिया। फिर ये हुआ कि चलते हैं। फिर जब हम यहाँ आए सर से मिले, सर ने देखा मम्मी को, एक वीडियो पहले बोला कि वहाँ से भेजो हमें, तो फिर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा। फिर जब हो जाएगा यहाँ आए, मम्मी से मिले एंड वो बोलते कि आप मेरे लिए एक स्पेशल आंटी हो एंड आप मेरे लिए गेस्ट हो। तो जितना भी केयर हॉस्पिटल, जितने भी नर्सिंग, जितना भी स्टाफ, सब ने बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब प्यार से, और हम एक वो होता है ना कि एक मोमेंट होता है जिसको हम लाइफ टाइम याद रखेंगे, तो वो हमें दिया। और बहुत ही अच्छी गेस्टिंग की, बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट हुआ, ऑल सब कुछ बहुत ही अच्छे से हुआ। तो थैंक यू संदीप सर, आपने इतने अच्छे से ये सारी चीज़ें मैनेज की एंड हम सबको इतना सपोर्ट किया। सो थैंक यू वेरी मच। जैसे ही मुझे पता चला तो मेरे अंदर एक ही चीज़ थी कि इनको ठीक करना है, क्योंकि ये 2 साल, हमारे शादी को 2 साल हो गए हैं, 2 साल से अभी हम कहीं पे भी मम्मी को लेके नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उनको चलने में दिक्कत थी। वो घर पे रह के भी खाना बनाने के लिए बैठना पड़ रहा था उनको, वो खड़े होके किचन में खाना नहीं बना पा रहे थे, कहीं चल नहीं पा रहे थे, केवल उनका एक तरह से बेड पे ही बैठ के ही काम हो रहा था सारा कुछ। तो उनको ठीक करना वॉज माई मोटो फॉर ऑल टाइम। तो उनको ठीक करने के लिए मैंने फिर रिसर्च करना शुरू किया, उनका टेस्ट कराए, उससे शादी से पहले भी पता चला उनके दूसरे डॉक्टर को दिखा चुके हैं और उन्होंने भी ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए सजेस्ट किया था, बट वो टलते टलते फिर आखिरी में मैंने ऑल ओवर इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स का पता किया, फॉर विच डॉक्टर चरणदीप सर जो मेरे पुराने डॉक्टर थे, जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था, मैंने उनसे कंसल्ट किया। उनसे कंसल्ट करने पे सर के बारे में पता चला एंड फिर मैंने और रिसर्च किया अबाउट द इंडियाज़ बेस्ट नी सर्जरी डॉक्टर्स। तो अब आज अगर आज की बात करूं तो हम 1200 किलोमीटर दूर से यहाँ पे केवल संदीप सर के लिए आए हैं, बाय नोइंग दैट ही इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर फॉर नी रिप्लेसमेंट। उनके साथ उनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई। यहाँ पे जो भी केयर हुआ, बहुत अच्छा केयर हुआ। फिर उसके बाद इनका फ्रॉम द फर्स्ट डे, तीसरे दिन शी वॉज एबल टू गो टू द वॉशरूम विद द यूज़ ऑफ वॉकर से चलने पे उनको आराम से। फिर 5वें 6वें दिन पे वो बिना वॉकर के भी चलना उन्होंने शुरू कर दिया। नाउ शी इज़ वेरी फाइन एंड शी इज़ गेटिंग बेटर डे बाय डे। This is all because of Sandeep sir. Very, very, very much thank to you sir. आम सेंटर को सुनीता मैडम एक्चुअली 12 दिन है केयर हॉस्पिटल ऑपरेशन होते आम सेंटर को 4 days है आसिले मैडम बहुत बर्तमान नी 2 गोड़र नी रिप्लेसमेंट होती फॉर बेटर अच्छा आमे जहा भावुले ताठ फर बेटर अच्छी बहुत दूर भी आसी 1200 किलोमीटर दूर भी आसी संदीप सारंकर गाइडलाइंस रे बहुत बेटर अच्छी नी रिप्लेसमेंट फर बेटर आमे भी कोशिश करछु बहुत माने इम्प्रूवमेंट भी अच्छी आम पेशेंट को सुनीता मैडम को जेटी चलियापाई कहूँ ताठू आउ 2 पाद 3 पाद एक्सट्रा चलुंत माने तांकर कॉन्फिडेंस लेवल आउ फॉर बेटर अच्छी आम एक्चुअली जहाँ एक्सरसाइज और इलेक्ट्रोथेरापी जहाँ आम एक्सपेरिमेंट करूँ थार फॉर बेटर से भल अच्छा पूर्व पोजिशन जमी चलुले बोलुले जहाँ किसी होते सही लेवल को आसवाई मैक्सिमम आउ 1.5 मंथ दरकार से पूर्व अवस्था को भी फेरी पाइबे।